हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी सिंह। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, कल नीट 2024 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड रहा। 89 स्टूडेंट का बताया जा रहा, 720 में 720 आ रहे हैं। नीट की हिस्ट्री में पहली बार रैंक में इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा। यहाँ तक कि 650 तक बच्चों को कॉलेज मिलने की इस बार संभावना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स आ रहे हैं और एनटीए ने उसका रीज़न भी ट्वीट करके बताया है कि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा, एक ही सेंटर से आठ आठ स्टूडेंट के AIR 1 आए हैं। उनके रोल नंबर और रैंक से साफ जाहिर हो रहा किस लेवल का स्कैम हुआ है। यहाँ तक कुछ बच्चों के रिजल्ट दो बार पब्लिश हुए हैं और दोनों में ही अलग रैंक और अलग मार्क्स शो हो रहे हैं। 611 पर कुछ बच्चों के 22,000 रैंक आ रही और वहीं कुछ बच्चों की 620 पे 60,000 तक रैंक आ रही है। एनटीए ने किस तरीके से रिजल्ट बनाया है, स्टूडेंट्स के इमोशन एंड हार्ड वर्क को एनटीए ने पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर की के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उनके आंसर की के अकॉर्डिंग 630 बन रहे थे और रिजल्ट 670 का आया है। और वहीं कुछ बच्चों का नंबर आंसर की से ज़्यादा आ रहा, रिजल्ट में कम आ रहे हैं। गाइज, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ नीट 2024 और अगर एनटीए को ऐसा ही स्कैम स्टूडेंट्स के साथ करना है तो नीट का कोई मतलब नहीं। नेशनल लेवल के एग्ज़ाम पर इतना बड़ा स्कैम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इवन कल PIL दाखिल हुआ, नीट के एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले PIL दाखिल हुआ कि नीट एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और उसके जस्ट एक दिन बाद नीट का रिजल्ट आ गया, वो भी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन। ऐसा क्यों, जिससे किसी का ध्यान ना जाए? इतना बड़ा स्कैम जो NTA ने किया, आई मस्ट से दैट वेल प्लेड NTA टू स्टूडेंट्स इमोशंस। प्लीज शेयर दिस वीडियो मच मोर, इट्स माई स्मॉल एफर्ट, यू गाइज मेक्स बिग, वी वॉन्ट जस्टिस और रीनी तो होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।